2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रभात फेरी निकालकर शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेशों को जन जन तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। यह प्रभात फेरी शहर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में निकाला जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पार्टी नेतृत्व ने अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सदन नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर पदयात्रा का कार्यक्रम तय किया है, जो 2 अक्टूबर से चल करके गांधी जी की जयंती से लेकर के और 31 अक्टूबर पटेल जी की जयंती तक चलेगी। कुल 15 दिन की इस यात्रा का नेतृत्व सांसद अपने सांसदों को करना है। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय रवि किशन जी के नेतृत्व में कल अपने गोरखपुर लोकसभा की यह यात्रा प्रारंभ होगी। टाउन हॉल पे कल वहाँ एकत्रीकरण है हम सभी का 8:30 बजे। 9 बजे वो यात्रा वहाँ पे महात्मा गांधी जी की मूर्ति की सफाई यानी स्वच्छता अभियान चलाने के पश्चात और माल्यार्पण करने के पश्चात हम लोग उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी कल जयंती है, उनको भी माल्यार्पण करते हुए शास्त्री चौक होते हुए फिर वो यात्रा आगे बढ़ करके भगत सिंह चौराहे पर भगत सिंह जी को भी वहाँ माल्यार्पण करते हुए और आगे बढ़ते हुए बेतिहाता हनुमान मंदिर से लेकर के और ट्रांसपोर्ट नगर चौकी से फिर हम लोग बाएँ होते हुए महवा चौकी से और फिर आगे बढ़ के रुस्तमपुर ढाले से आज़ाद चौक पर शहीद आदरणीय हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पश्चात उस यात्रा का कल के यात्रा का समापन किया जाएगा। यह पूरी यानी 150 किलोमीटर की यात्रा यानी 5 विधानसभाओं में यानी 10 किलोमीटर एक विधानसभा में 3 दिन की यात्रा 30 किलोमीटर और 5 विधानसभा में यानी 150 किलोमीटर की यात्रा यह सम्पन्न कराई जाएगी। कल का नेतृत्व तो हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय रवि किशन जी के द्वारा ऐतिहासिक यात्रा होगी। यह यात्रा जन यात्रा बन करके निश्चित रूप से साबित होगी। हम लोग केंद्र सरकार की जो हमारे 100 दिन की उपलब्धियां हैं और उत्तर प्रदेश के हमारी योगी जी की जो 30 महीने की उपलब्धियां हैं यह जन जन को बताने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर यात्रा जन यात्रा साबित होगी, ऐसी हम सभी को कहना।